हेलो दोस्तों, मैं मनीष सारथी एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2021 में पूछे गए हैं, चाहे आपका वो पटवारी का प्री या मेंस का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम है जो कैंसिल हो गया बट आगे जो होगा ही होगा, ठीक है। और आपका चाहे हेड कॉन्स्टेबल का है, आईटी का है, PSSSB का है, जो भी एग्जाम आपके हुए हैं उन सबके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में परसेंटेज के क्वेश्चंस अगर देखता हूं तो नियर अबाउट 38 to 40 सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, 38 से 40 क्वेश्चन ही पूछे गए, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चन अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी रिमेनिंग सेकंड वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 12.5% ऑफ ए नंबर इज 64। कोई एक नंबर है, कोई संख्या है जिसका 12.5% क्या है, 64। देखिए, अगर आप इसे परसेंटेज से करना चाहते हो तो 12.5% किसके इक्वल दे रखा है, 64 के। 1% की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 64/12.5। और मेरे को नंबर चाहिए तो मैं 100% की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इंटू क्या कर दूंगा, 100। और ये पॉइंट डाके में 10 लगा तो 5 और 25 पे कैंसिल आउट कर रहा हूं, 4 5 2 10, तो 64 × 4 × 2, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, 512। मींस वो नंबर कितना आपके पास, 512। क्लियर हो? ये तो था परसेंटेज के हेल्प से। अगर मैं आपको परसेंटेज के टेबल की बात करूं, परसेंटेज का टेबल अगर याद है तो इस क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, आपको अगर पता है 12.5% कितना होता है, 1/8, तो 8 का 12.5% कितना है, 1, और उस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64। और नंबर पूछा गया मतलब 8 की वैल्यू पूछी गई है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 64 × 8, मींस वो नंबर क्या आपके पास, 512। तो आपका आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन, 512। क्लियर हुआ सभी को? आसान सा क्वेश्चन था और ये एसआई के एग्जाम में 4 नंबर का पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। कहता है व्हाट इज 35% ऑफ 340। अब ये भी देखें कितना आसान सा क्वेश्चन आया। अगर इस क्वेश्चन को आप बिना लिखे भी कर सकते हो, चाहो तो आप बिना लिखे भी कर सकते हो। देखिए कैसे, आपको बताया भी अगर मैं 35% निकालना चाहता हूं तो 35/100 करोगे, इंटू में 341 करोगे, ऐसा होगा। अब आप 5 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग, तो ये कितना आ गया, 5। तो आप देखिए, मैंने इसका यूनिट डिजिट निकाला, बस इकाई का अंक निकाला है, और इकाई का अंक निकालते ही मेरा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट क्या है, 5, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। अगर आप पूरा प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो आप कैंसिल आउट करके भी कर सकते हो, या फिर 35 और 341 को मल्टीप्लाई करोगे, 11935, और डिवाइड में क्या है, 100, तो कितना आएगा, 119.35। तो डिवाइड में 100 तो क्या लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। और वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट देखो और आंसर हो। और 4 नंबर का था, आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। कहता है ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 75 3/4, 75 × 3/4%, ठीक है। एंड द इंक्रीमेंट इज 50, द नंबर राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। कहता है अगर किसी नंबर को 75 × 3/4% बढ़ा दिया जाता है तो वो नंबर 50 बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप देखिए 75 × 3/4 कितना होता है, 75 को 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 300, 300 + 3, 303, 303/4% किसके बराबर है, 50 के। आपके पास 1% की वैल्यू क्या आएगी, 50 × 4/303। और मेरे को 100% निकालना, वो नंबर निकालना, तो मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है। देखिए अब उसने नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, और तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा इजी बना लेता हूं इस सवाल को। अगर डिनोमिनेटर में 303 है तो 11 से 11 में से 100 कर देते, 300 कर देते, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 50/3 आपके पास क्या आएगा, 16.6, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करोगे आपके पास चला जाएगा 66.4, 66.6 या 4, इस तरह यहां पे आपकी वैल्यू चली जाएगी।
ठीक है। बट अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, मैंने क्या किया, हर वाले भाग को, डिनोमिनेटर को थोड़ा छोटा किया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर 66.66 के थोड़ा सा पीछे की तरफ क्या आंसर होगा, 66। क्योंकि देखिए, अगर आप हर वाले भाग को जैसे एक्स बटा वाई है, अगर हर वाले भाग को कम करोगे तो आपका आंसर थोड़ा बड़ा रहता है, जितना कम करोगे इसके अकॉर्डिंग। अगर एक्स बटा वाई है, हर वाले भाग को बढ़ाओगे तो आंसर छोटा हो जाता है। जैसे देखिए, अगर आपके पास लिखा गया, सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं, आपके पास 2/5, 2/5 कितना होता है, 0.4। अगर मैं अब आपके पास लिखूं 2/10, कितना है, 0.2। तो देखिए, अगर आप हर वाले भाग को, मैंने क्या किया, बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर बड़ा किया, हर वाले भाग को बड़ा किया, तो आंसर छोटा आया कि नहीं आया। और हर वाला भाग अगर यहाँ पे मैं बढ़ा देता, यहाँ से जैसे आपको छोटा कर देता, यहाँ पे मैं 2/5 था, मैं 2/4 कर देता हूँ, तो कितना आया, 1/2, और 1/2 कितना होता है, 0.5। अगर हर वाला भाग मैं क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ, तो आंसर क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही था, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने छोटा किया और आंसर थोड़ा बड़ा आ रहा था, और मेरे को आंसर क्या था, बड़ा आया, तो इसलिए नियरेस्ट इंटीजर मैंने देखा क्या था, 66। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 280 इज इक्वल टू 40%, मतलब 280 का 40% किसके बराबर है। ठीक है भाई, तो मैं देखता हूं पहले 280 का 40% कितना होता है, इसी तरह निकालोगे आप। अगर टेबल याद है तो टेबल के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। कितना आया, 1/2। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन से 1/2 आएगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन सवाल में करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको सारे ऑप्शन कैसे चेक करने बताता हूं। अगर आप 144 × 12/100 लिखते हो, तो इसे देखते ही आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपका यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या बनने वाला है, 8 बनने वाला है। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, 2 चाहिए। अगर आप सेकंड ऑप्शन चेक करोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, 360। अब यूनिट डिजिट से आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से सवाल को लिखने की जरूरत नहीं थी आगे ऑप्शन को। तो 6 × 3 आपका यूनिट डिजिट सवाल का क्या आएगा, 8 आएगा, तो इसे भी छोड़ दो। अगर मैं 448 448 × 25/100 इसे सॉल्व करोगे, तो 25 से 4 पे कैंसिल आउट होगा, 4 से कितने पे चला गया, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। फोर्थ भी आप क्या कर सकते थे, यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग रिमूव कर सकते हो, क्योंकि 77 × 10/100, और वैसे भी अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो 77 का जो 10% होता है, 7.7 होता है। ठीक है, तो ये कितना आया, 7.7। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, और आप डायरेक्ट इन नंबर्स को ऑब्जर्व करके भी कर सकते हो, क्योंकि 360 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 36, और 3% और एड ऑन करने पे 112 तो नहीं बनेगा, उस तरीके से भी आप देख सकते हो। क्लियर हुआ? तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका ऐसा ही एग्जाम में आया भाई अभी। इफ वी मिक्स 350 ml ऑफ वाटर इन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कहता है भी 2 लीटर दूध के अंदर अगर 350 ml पानी मिक्स कर दिया जाता है, तो अब मिक्सर के अंदर, उस मिश्रण में दूध कितने परसेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो यूनिट सेम कर लेता हूं, जो क्वेश्चन आसान होगा। आपको पता होगा 1 ml कितना होता है, सॉरी, आपके पास 1000 ml कितना होता है, 1 लीटर, 1 लीटर, तो 2 लीटर कितना होगा, 2000 ml, मिलीलीटर। तो अब 2000 ml आपके पास मिल्क है, जिसमें 350 ml पानी मिला दिया गया, तो अब जो आपके पास मिक्सचर है वो 2350 ml हो गया। अब इस मिक्सचर में दूध कितने परसेंट है, तो मिल्क कितना है, 2000, मिक्सचर कितना है, 2350, और परसेंट में बदलना है इनटू 100, तो 0 से आपका 0 कैंसिल आउट होगा, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 47 और 2, तो आप 2000 को 47 से कैंसिल आउट करोगे, नियर अबाउट आपके पास वैल्यू चली जाएगी 8
5.1%। तो आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। तो आपके पास अब पूरे मिक्सचर के अंदर जो मिल्क है वो कितने परसेंट होगा, 85.1%। क्लियर है सभी को? ठीक है, थोड़े कैलकुलेटिव है आपके क्वेश्चन, मतलब लास्ट में जाके आपको परसेंटेज वगैरह डिवाइड करना, वहां पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी सवालों में कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। कहता है 500% ऑफ 500 डिवाइड बाय 500। अब ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में 4 नंबर के आ रहे हैं तो गलत बात है, क्योंकि कुछ पूछने लायक है ही नहीं इनमें। अब देखिए 500 क्या होगा, 500 बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू 500, और डिवाइड में भी क्या है 500, तो जीरो से आपके जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा 5 इंटू 500, और डिवाइड में भी क्या है 500, तो 500 से 500 कट गया, आंसर क्या आ गया 5। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं करने लायक था, कुछ करना ही नहीं था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 7। कहता है ए 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन ए 25 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, 40 लीटर का आपके पास मिक्सचर है मिल्क प्लस वाटर, जिसमें 25 लीटर क्या है पानी है, तो 15 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा कि नहीं होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, मतलब आपसे पूछा गया मिक्सचर के अंदर पानी कितने परसेंट है, तो पानी कितना है 25, किसमें मिक्सचर कितना है 40, और परसेंट में बदलना है इंटू 100, तो 25 ये 5 पे चला जाएगा, ये 8 पे चला जाएगा, तो 5 बाई 8 कितना होता है 62.5, 62.5%। देखिए टेबल की हेल्प लीजिए भाई, अगर आपको पता हो 1 बाई 8 कितना होता है 12.5%, तो 5 बाई 8 चाहिए तो इंटू क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा, तो 5 बाई 8 इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा 62.5%। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया सभी को? टेबल की भी हेल्प बहुत मिलती है, टेबल से बहुत आसान हो जाती है कैलकुलेशन आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मोहित स्पेंड 85% ऑफ हिज टोटल इनकम। ठीक है, मोहित क्या करता है अपनी कमाई का 85% क्या करता है खर्च करता है, तो 100% अगर वो कमाता है एक्सपेंडिचर खर्चा कितना किया 85% करेगा, तो सेविंग कितनी आई 15%, और मोहित इनकम कितनी है 42,500 मोहित की इनकम है, तो आपसे पूछा गया देन हाउ मच मनी लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा करने के बाद उसके पास कितनी कमाई बच जाती है, तो खर्चा किया 85% तो 15% कमाई का क्या कर रहा है बचा रहा है, वही आपसे पूछा गया। तो 42,500 का 15% वो बचाता है, वही आपसे पूछा गया है, तो मल्टीप्लाई करोगे आप 15 इंटू 5, 75 5 आएगा 30 7 हो गया, और आपके पास 60 60 प्लस 3 63। ठीक है, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन इन सेविंग कितनी है उसकी, 42,500 का 15% जो कितना है 6,700, 375 रुपए। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपका हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, और आसान आसान क्वेश्चन आए हैं सारे, परसेंटेज को तो बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पंकज सैलरी इज 25% हायर देन अनिल सैलरी। ठीक है, पंकज और अनिल की अगर मैं बात करूं, पंकज की सैलरी अनिल की सैलरी से 25% ज्यादा है, अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 125। अब कहता है पंकज सेव्स, पंकज क्या करता है 5,400 रुपए बचा लेता है, और जो कि उसकी इनकम के 27% के बराबर है, तो बताइए अनिल की सैलरी कितनी है। तो पंकज, मैं इसका रेशियो बना लेता हूं, आसान होगा, ये 5 होगा और ये क्या होगा 4, 25 पे काटकर। पंकज और अनिल की इनकम का रेशियो क्या है 5 और 4। पंकज क्या करता है अपनी इनकम का 27% बचाता है, जो किसके बराबर दे रखा है 5,400 के बराबर दे रखा है, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई 200, और 100% निकालना है तो इंटू क्या कर देंगे दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पंकज की इनकम कितनी है 20,000, तो 5 किसके बराबर हुआ 20,000 के, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास
20,000 बटा 5 4,000। तो पंकज की इनकम थी 20,000, 5 की वैल्यू थी और 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। तो जो अनिल है, अनिल के पास कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू क्या होगी 4,000 × 4। तो अनिल की जो सैलरी है वो कितनी है 16,000। क्लियर हुआ सभी को? आसान सा क्वेश्चन था पहले। अब चाहो तो इसे रेशियो नया बना के डायरेक्ट इक्वेट भी कर सकते हो, 125 20,000 के इक्वल करोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। डेली वेजेस ऑफ लेबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 12%। अगर मजदूरों की तनख्वाह रोजाना अगर 12% बढ़ाते हैं तो तनख्वाह बढ़ती कितनी है ₹60। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द न्यू डेली वेजेस ऑफ द वर्कर। वर्कर की नई, अब आज के दिन प्रेजेंट में नई वेजेस, नई तनख्वाह क्या है? तो देखिए, तो 12% तनख्वाह बढ़ाओगे वो किसके बराबर है 60 के बराबर। 1% किसके बराबर आया आपका 5 के बराबर। 100% क्या आया आपके पास 500। तो पहले जो मजदूरों की तनख्वाह थी वो कितनी थी 500, अब पूछी गई है तो अब ₹60 तनख्वाह बढ़ चुकी है, तो अब उनकी जो तनख्वाह है वो कितनी है 560 रुपए। न्यू वेजेस कितनी है, नई तनख्वाह कितनी है 560, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान से है तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, कुछ बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पे यूज भी नहीं हो रहे, तो मैं स्पीडली सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। गोल्ड प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 15%। अगर सोने का जो प्राइस है वो 15% बढ़ जाता है, इफ द न्यू प्राइस इज ₹3,335, 3,335 रुपए पर ग्राम, देन व्हाट वाज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गोल्ड पर ग्राम, ठीक है। अगर सोने का प्राइस 15% बढ़ गया तो जो नया प्राइस है सोने का वो कितना हो गया 3,335। देखिए अगर सोने का प्राइस 15% बढ़ गया तो पहले 100% था, 15% बढ़ गया तो नया प्राइस क्या बनेगा 115%, किसके बराबर है 3,335 रुपए के। 1% की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3,335 ÷ 115। और अगर मैं 100% निकाल लूं तो जो सोने का एक्चुअल प्राइस था वो मिल जाएगा, जिस टाइम सोने का प्राइस नहीं बढ़ा था वो वाला। तो 100% निकालते इंटू क्या कर देते हैं 100, ठीक है। तो इसे आप कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट करोगे आप, अगर मैं इसे ये 23 पे चला जाएगा और इसे 5 पे कैंसिल आउट करते हो अगर आप, तो ये कितना भी आ गया 20। 23 पे कैंसिल आउट करोगे 1 और 10 रिमेनिंग आपके पास, और 492 और 18, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। 23 पे कैंसिल आउट करोगे तो 110, 103, 103 आपका 4 पे चला गया ये, और 8 + 3 = 11, तो इफ अगेन आपका 5 पे चला गया, ठीक है। तो 145 आया, और इसे आप क्या करोगे 20 से मल्टीप्लाई करोगे, इतना 2900। तो आपके पास जो सोना था, गोल्ड था, उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना है 100% प्राइस कितना है 2900। क्लियर हुआ? आसान से क्वेश्चन आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है आपका, कहता है टू नंबर्स टी एंड यू आर सच दैट द सम ऑफ 15% ऑफ टी एंड 3% ऑफ यू। कहता है दो नंबर है, एक टी और एक यू। अब टी का 15%, तो टी का 15% और यू के 3% का टोटल किसके बराबर दे रहा है 4/5 ऑफ सम ऑफ 11% ऑफ टी, 11% टी के और 11% यू के, ये कह रहा है। कहता है टी के 15% और यू के 3% का जोड़, यू टी के 11% और टी यू के 11% के जोड़ के 4/5 के बराबर है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या आया 15 t/100 + 3 u/100 इज इक्वल टू, अगर इस ब्रैकेट में से मैं 100 कॉमन निकाल लेता हूं क्या बचेगा 11 t + 11
यू, तो 100 से आपका इस साइड 100 कैंसिल हो जाएगा। आगे एक स्टेप और बना देता हूं, चलो वैसे यहीं पे कैंसिल कर सकते हो आप। 15t प्लस 3u डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 100 11t मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15t प्लस 3u, 4 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, 44t प्लस 44u। t की वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू, अच्छा एक मिनट, ये 5 बाकी था, अभी ये मल्टीप्लाई करना बाकी है, 5 इधर मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ पे आपके पास 75t प्लस 15 आया है, यहाँ पे 15u बचेगा, ठीक है। तो 44t की वैल्यू एक साइड करेंगे, 75t माइनस 44t, 44u माइनस 15u। तो 75 और 44 माइनस करोगे आपके पास 31t, और 15 और 44 माइनस करोगे 29u। तो t और u का जो रेशियो है वो क्या बनेगा, 29/31, मीन्स 29:31, जो कि आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कह सकते हो सवाल में बाकी, अगर ये आपको इक्वेशन लिखनी आती है, ये वाला पार्ट अगर आप लिख सकते हो, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस आपको ये वाला पार्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। कहता है E1 इज 50% हायर देन E2, E2 ठीक है, और एंड 22% लोअर देन E3। E1 क्या है, E2 से 50% ज्यादा है और E3 से 22% कम है, और E2 की वैल्यू अपने को दे रखी है और E3 अपने से पूछा है। E2 कितना दिया हुआ है, 1365, और E3 आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब आप देखिए E1 E2 E3 है, अब मैंने से E1 E2 E3 के मेरे कुछ नंबर सेट करने पड़ेंगे यहां पे, ठीक है। देखिए E1 जो है वो E2 से 50% ज्यादा है और E3 से 22% कम है, ठीक है। तो इसे थोड़ा अरेंज करने के लिए देखो, इस नंबर्स को जो होते हैं इन्हें आसान से कैसे सेट कर सकते हो आप, ठीक है। देखिए अगर मैं E1 और E2 की बात करता हूं, अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 150 होगा। इजी करने के लिए मैं इनका रेशियो बना देता हूं, ये 3 है तो ये कितना आएगा, 2। E1 E2 क्या है, 3:2। अब अगर मैं E1 और E3 की बात करता हूं, अगर ये 100 होगा तो ये 22 कम होगा, इससे कितना होगा, 78। रेशियो बनाओगे आप, ये 39 और 50 होंगे, ठीक है। अब आपको पता है इवन तो दोनों साइड है, इवन इधर भी है, इवन इधर भी है, और जो रेशियो के अंदर कॉमन पार्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल करने के लिए इवन वाले पार्ट को मैं इधर क्या कर देता हूं, 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इवन E2 E3 तो कितना आएगा, 39, 13 × 2 26, और इधर कोई मल्टीप्लाई नहीं की, E3 कितना है, 50। अब E2 अपने को दे रखा है 1365, मतलब 26 किसके बराबर दे रखा है, 1365 के। एक की वैल्यू क्या आएगी, 1365/26, 13 पे कैंसिल आउट करोगे, 2 पे चला जाएगा और 105। एक की वैल्यू क्या आ गई, 105/2। अब मेरे से पूछा गया E3, मतलब 50 की वैल्यू पूछी गई है, तो 50 से गुणा कर दूंगा, 50 × 105/2, कैंसिल आउट करो कितना आ गया, 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 125, और आपके पास नियर अबाउट कितना, 2500, तो 2625। तो आपके पास E3 कितना आएगा, 2625। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। बस आपको करना क्या था, ये वाली वैल्यू थोड़ी सी अरेंज करके लिखनी थी, क्योंकि अगर यह चाहो तो पूरा परसेंटेज में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भी जैसे मैंने रेशियो बनाया रेशियो बनाओ, बट रेशियो बनाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहो तो परसेंटेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। रेशियो से करोगे तो सोचना नहीं पड़ता कौन कितना ज्यादा कौन किससे कम, जैसे बोला गया कंपेयर करवाओ, रेशियो बनाओ, आंसर क्लियर है सभी को। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एफ इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 50% देन डिक्रीज बाय 50%। एफ को पहले 50% बढ़ाया गया, फिर एफ को 50% कम कर दिया गया, तो फाइनल वैल्यू ऑफ एफ व्हाट परसेंट ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ, तो एफ की फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू का कितना परसेंट है। तो देखिए, तो अब चाहो तो इसमें नेट चेंज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है, अभी कितने परसेंट का एफ में चेंज आने वाला है, 100 मान के भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, बहुत तरीके हैं जैसे आपको ठीक लगे। मैं दो तरीके आपको बता देता हूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एफ 100 है, 50% बढ़ाओगे तो 50 बढ़ गया, कितना हो गया 150। अब 50% कम करोगे तो 150 का आधा, 50% कितना हुआ 75, तो नंबर क्या हो गया 75 हो गया, ठीक है। तो अब जो फाइनल वैल्यू ऑफ एफ कितनी है आपके पास, 75%। क्लियर हुआ? अगर रेशियो से करते हो तो रेशियो से क्या करोगे, ये नंबर 50% बढ़ गया, और 50% कितना होता है 1/2, मींस नंबर 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 था 50% बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया, कितना हो गया 3, ये इनिशियल ये फाइनल। फिर 50% कम हो गया, 2 था 1 कम हो गया, कितना रह जाएगा 1, तो 4 से नंबर कितना हो गया 3, तो नंबर 3 हो गया किससे 4 से, और परसेंट में बदलना गुना 100, तो 25 पे कैंसिल आउट करोगे, नंबर क्या आ गया 75%। ठीक है, चाहो तो आप नेट चेंज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्या होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। इसमें अगर कोई वैल्यू बढ़ रही होती है तो साइन किसका आता है प्लस का, और कम हो रही होती है तो साइन किसका आता है माइनस का। तो 50 प्लस डिक्रीज हुआ माइनस 50 प्लस 50 और माइनस 50 डिवाइड बाय 100, तो माइनस ए प्लस कट जाएगा और आपके पास माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2500/100, तो आपके पास कितना है माइनस का 25%। अब माइनस 25 ये बताता है भी जो भी इनिशियल वैल्यू थी वो 25% कम हो जाएगी, तो इनिशियल वैल्यू क्या होती है 100% होती है, उसे अगर 25% कम कर दोगे तो अब जो वैल्यू रहेगी वो कितनी बचेगी 75%। यही आपसे पूछा गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, जो इजी लगे उसे आप कर सको। क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द प्राइस ऑफ ट्रक फर्स्ट, सेम वैसा ही क्वेश्चन वापस आ गया, तो कहता है पहले ट्रक का प्राइस 10% कम हो जाता है, फिर 40% बढ़ जाता है, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ट्रक, मतलब ऐसा करने पे ट्रक के प्राइस कितने परसेंट बढ़ जाता है। तो आसान सा है, तो देखिए इजी सी वैल्यू 10 और 40, तो मैं 100 ही मान लेता हूं, पहले 100% था प्राइस, 10% कम हो गया, 100 का 10 10 ही होता है, 90% रह गया, अब 40% बढ़ गया, तो 90 का 40% कितना होता है 36, तो प्राइस कितना हो गया 126%, तो प्राइस 100 से कितना हो गया 126, तो कितना बढ़ चुका है 26%, 26% जो ट्रक का प्राइस क्या है बढ़ जाएगा। क्लियर हो? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बाकी आप उस क्वेश्चन में आप इसमें नेट चेंज भी लगा सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, बट रेशियो से पता है कब करते हैं, जब डाटा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा हो, फ्रैक्शन में, जैसे आपका 16 से 2/3, 12 से 1/2, कम कर रहा है बढ़ा रहा है, तब रेशियो से कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर ऐसा डाटा 10% 20 40 दे रखा है तो आप सिंपल सा है, ये आप क्या किससे करोगे 100 से करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पर्सन हैज ओनली ग्रीन एंड ब्लू शर्ट, ग्रीन और ब्लू, इफ ही हैज 85 ग्रीन, 85 ग्रीन शर्ट है और 83% शर्ट्स ब्लू, 83% क्या है ब्लू है, तो 100% उसके पास शर्ट है जो ग्रीन और ब्लू का जो टोटल है, जिसमें से 83% क्या है ब्लू है, तो बाकी जो बचा 17% वो क्या होगा ग्रीन होगा, जो किसके बराबर है 85 के, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5, और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 500। तो आपसे यही पूछा गया है उसके पास टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है 500, जो क्या है आपके पास थर्ड ऑप्शन। क्लियर हुआ? आसान आसान से क्वेश्चन थे, हेड कॉन्स्टेबल में आया था क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पी स्कोर 16.66
मोर मार्क्स देन क्यू। देखिए अब ये सही है भी, आपको अगर 16.66 फ्रैक्शन में आपका जो पॉइंट्स में आपका जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, तो इसे अब क्या करो, टेबल की हेल्प लो आप। 16.66 कितना होता है, 1/6। तो पहले नंबर पी के कितने थे, पी स्कोर 16.66 मोर देन क्यू, मतलब क्यू के नंबर कितने हैं, 6। उसने 16.66% ज्यादा है पी के, मतलब कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो पी के कितने नंबर होंगे, 6 + 1 7, और क्यू के कितने हैं, 6। ठीक है, तो 6 थे, 16.66 16.66 बढ़ाओगे तो 1 बढ़ गया नंबर, पी का 1 नंबर ज्यादा है तो कितना है, 7 और 6। पी और क्यू के नंबर्स का रेशियो क्या है, 7 और 6। अब कहता है क्यू के नंबर 618 है, तो 6 किसके बराबर है, 618 के। 1 की वैल्यू क्या आएगी, 618/6, मतलब 103। तो पी के नंबर पूछे हैं तो 103 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पी के कितने नंबर हैं, 721। बस इतना सा सवाल, क्लियर हुआ सभी को, आसान है। मैं भी मैंने यही बताया था आपको, अगर पॉइंट्स में आपका परसेंटेज दे रखा है या फ्रैक्शन में भिन्न में दे रखा है, तो आप क्या करोगे, टेबल की हेल्प लो, जो आसान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कहता है द हाइट ऑफ पी इज 30% ग्रेटर देन द हाइट ऑफ क्यू। ठीक है, ये पी और ये क्यू, अगर क्यू की हाइट 100 है, इससे 30% ज्यादा हाइट पी की है, तो इसकी क्या होगी, 130। 30% ज्यादा है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ क्यू, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइट ऑफ पी, मतलब क्यू की हाइट पी की हाइट का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया। तो क्यू की हाइट कितनी है, 100। किससे पूछ रहा है वो, पी से, मतलब पी 130 × 100। ठीक है, तो जीरो से आप जीरो कैंसिल आउट करोगे, तो अगर आप देखिए, अगर टेबल याद है तो आपके पास 100/13 की वैल्यू क्या होती है, 7.69%। 100/13 कितना होता है, 7.69, और इसे मैं क्या करूंगा, अब 10 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 76.9%। तो जो क्यू की हाइट है वो पी की हाइट का कितना है, 76.9%। देखिए टेबल जरूर याद करो भी, टेबल की हेल्प बहुत मिलती है, परसेंटेज के अंदर टेबल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टेबल याद करते हो तो परसेंटेज चैप्टर भी आपका आसान, प्रॉफिट एंड लॉस भी आसान, और आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आगे के सभी चैप्टर्स में जहां परसेंटेज का यूज होता है वहां टेबल का यूज होता है भाई। ठीक है, तो टेबल जरूर याद करो, क्लियर है। ठीक है, तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।